हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 7.13.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा सातवां। ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी कह रहा है सरल कीजिए। तो कुछ हमें घातों के रूप में कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सातवें का पहला पार्ट हमारा ये है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा माइनस का 4 की घात, एक बार देख लेते हैं, 3 है। ठीक है, घात में 3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने प्लस की घात में तो किया है, मतलब प्लस में डिजिट है हमारी, उसकी घात को तो सॉल्व किया है, पर हमारे यहाँ पे जो डिजिट दी गई है वो माइनस में दी गई। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो नहीं घबरा रहे होगे। हाँ, अगर आप पहली बार आए हो सकता है घबरा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, बहुत ईजी है। क्या करना है, माइनस 4 जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा। तो माइनस 4 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा गुणा ही गिना जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है चिन्हों की गुणा करेंगे। चिन्ह मतलब जो हमारे माइनस दिए हुए हैं उनकी गुणा करेंगे। माइनस और माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे ही प्लस और माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब हमारा ये माइनस, फिर आपको रूल्स बता देते हैं, हालांकि मैंने बहुत कई बार बताया, कम से कम 20-25 बार बताया ही हुआ है, फिर से बता देते हैं। देखो, जब हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। जब हम प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तब हमारा प्लस आता है। जब हम माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो हमारा माइनस आता है। जब हम प्लस की गुणा माइनस से करते हैं, ठीक है, तो हमारा माइनस आता है। मतलब जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस आएगा, जब हमारा अलग अलग होता है तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस सेम थे दोनों, तो क्या आया, प्लस आया। और यहाँ पे हमारा माइनस था, जब अलग अलग थे तो हमारा क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब इनकी तो गुणा होनी ही है, 4 × 16 = 64, तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनस का 64 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, ये रूल्स जो हैं वो सिर्फ चिन्हों के लिए हैं, गुणा तो हमें करनी ही करनी है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है माइनस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 का घात 3। ठीक है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 3 लिख लेंगे। अब इसकी गुणा गुणा है वो करने वाले हैं माइनस के 2 से करने वाले हैं, मतलब माइनस का 2 जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे। ठीक है, 3 माइनस और माइनस की गुणा क्या हुई, प्लस हुई। यहाँ पे माइनस और माइनस की गुणा क्या हुई, प्लस हुई। अब प्लस और प्लस की गुणा हमारी क्या हुई, प्लस हुई। तो प्लस तो हमारा लिखा ही नहीं रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अब हमें गुणा तो करनी ही करनी है, जैसे 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, ये हमारा 24 आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना तीसरा पार्ट। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या है, माइनस का 3 की घात 2 गुणे में माइनस के 5 की घात 2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, माइनस 3 जो है कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा माइनस का 3। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगे हैं, ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, चाहे इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ, चाहे इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, तो भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा। चाहे इस तरीके से लिखा हो तो भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा। चाहे हमारा मल्टीप्लाई खुद लगाओ तो भी हमारा मल्टीप्लाई माना जाएगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था लगा दो, माइनस पाँच था और फिर से माइनस पाँच की घात दो था, तो हमने माइनस पाँच की घात दो था इसलिए माइनस पाँच जो है हमने वो दो बार लिख लिया है। ये हो गया माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, यहाँ पे भी माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई और प्लस प्लस की जब गुणा की तो हमारा प्लस ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीन तिया ना हुआ, ठीक है, और नौ तीन तिया ना हुआ ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ ना हुआ, और ये हमारा 25 हुआ। तो 25 नेमा हमारा कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। तो 225 जो है वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना चौथा पार्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा माइनस के 2 की घात 3 मल्टीप्लाई में माइनस के 10 की घात 3, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, जैसे कि डेली 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आप भी आना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस होती है जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम भूल चुके हैं, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे आप जो है अपनी मैथ्स को अच्छा बना सकें और बेहतर उसको कर सकें, ठीक है, और आपका जो डर है मैथ्स के प्रति वो आपका भाग सके। तो वही इसी डर को भगाने के लिए डेली 8 बजे हम आते हैं। और आपको दूसरी बात ये है भाई, अगर आपको क्लास जो है वो हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इतना काम जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है, बहुत देर से पढ़ा रही हूँ, थक भी गई हूँ, ठीक है, पर आप लोग समझा करिए, शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और आपको बता दें इस चैनल पे साइंस पढ़ाई जा रही है, ये हमारा ब्लॉग चैनल है, ये हमारा इंग्लिश वाला चैनल है, ठीक है, और इस चैनल पे ही टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट करते हैं। माइनस दो जो है वो कितनी बार लिखना है, 3 बार, माइनस दो जो है कितनी बार लिखना है, 3 बार, ठीक है। तो लिख देते हैं माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, फिर हमारा मल्टीप्लाई लगा था तो लगा दिया, फिर माइनस का 10 जो है कितनी बार लिखना है, 3 बार, माइनस का 10 कितनी बार लिखना है, 3 बार, ठीक है। तो माइनस का 10 हम लिख देंगे 3 बार, माइनस 10, माइनस 10 और माइनस का 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, फाइनली हमारा प्लस में ही आंसर आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस आता तो ज़रूर लिखते। 2 × 4 × 8 आया, 8 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे 8 ही आएगा, और 0 कितने हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 जो हैं वो हम लगा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 8000 आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर जाइएगा।